चिकित्सालय में पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में नहीं है पानी। बता दें कि शिवपुरी के जिला अस्पताल में जहां पर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। महिला मरीजों को यहां खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के बाहर तकरीबन 200 मीटर दूर मंदिर में लगे हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर है सभी मरीज। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जब अस्पताल पहुंचे तो मरीजों ने बताया कि शौचालय में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। वहीं हम बाल्टी भर भर कर इन्हें अस्पताल में लेकर आना पड़ रहा है, जिसके चलते इन्हें खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने जब शौचालय एवं वार्डों का निरीक्षण किया तो देखा कि वहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। शौचालय भी काफी गंदी स्थिति में पड़े हैं, साथ ही सारे नल सूखे पड़े मिले, जिसके पानी की एक बूंद तक नहीं आ रही थी। इस मामले की जानकारी जब CMO को दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं और कल होली की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, जबकि मरीजों का कहना है कि कई दिनों से यहां पानी नहीं आ रहा है। कम बाहर से मैंने 10 बाल्टी लाना है कटोर करने बता दे। तो जे परेशान क्या हो गए, अगर अस्पताल वाला आ गए अपने घर में डाल देंगे तो जे का करेंगे, जेटा की पर मरेंगे क्या नहीं मरेंगे, बिल के क्या के जितने बेटे हो गए बगैर भी तो मरेंगे है नहीं तो पानी की समस्या आ रही है क्या? कितने दिन हो गए आपको पानी? कितने दिनों से नहीं है तो बताओ। सवेरे बिल्कुल ही पानी नहीं है, तीन दिन से है नहीं पानी, पानी नहीं है। कहाँ से ला रहे हो फिर आप पानी, कहाँ से ला रहे हो? हैंडपंप से ला रहे हैं, पानी बाहर से ला रहे हैं। वो राय श्री मंदिर पर शिकायत नहीं की किसी से आपने? तो कोई स्टाफ रहता है ना, नर्स रहती है, इनसे कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं आता क्या? कोई नहीं आता। तो जांच वांच कौन करता है फिर? असिस्टेंट नहीं आते, देख के भाग जाते हैं। पूरी अस्पताल में पानी नहीं। शिवपुरी से ग्राउंड रिपोर्टर राजवर्धन सिंह की रिपोर्ट।